राजकुमार से भगवान बनने तक का सफर। सो हाय गाइस, दिस इज एमके भारद्वाज एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लॉर्ड बुद्धा। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, दुनिया में अलग अलग समय पर एक से बढ़कर एक महान व्यक्ति होते रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक थे महात्मा बुद्ध। उन्होंने सभी प्रकार के सुखों को त्याग कर दुनिया को सही मार्ग दिखाया। और अगर ये कहा जाए कि अपने महान विचारों से दुनिया में कई सारे परिवर्तन लाए तो भी कुछ गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने हमेशा ही सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और दूसरों को भी इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो ये एक राज परिवार में जन्मे थे, इनको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो जो भी चाहते उन्हें तुरंत ही प्राप्त हो जाता था, लेकिन फिर भी दिव्य ज्ञान की खोज में अपने सभी सुखों को त्याग कर अपने महान विचारों को बांटते हुए भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है लगभग 563 ईसा पूर्व से, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वह राजा सुद्धोधन और महारानी महामाया के घर पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी कि जब बच्चे का जन्म करीब होता था तो महिला अपने मायके आ जाती थी, लेकिन महारानी महामाया अपने मायके कपिलवस्तु आ ही रही थी तभी रास्ते में गौतम बुद्ध के जन्म का समय आ गया। इसलिए लुम्बिनी नेपाल में एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध पैदा हो गए। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता महारानी महामाया की मृत्यु हो गई। जब इनको घर ले जाया गया तो सभी रीति रिवाजों के साथ इनके नामकरण के समय विद्वान और साधु संत आए और भविष्यवाणी करते हुए बताया कि ये एक महान राजा बनेंगे या फिर साधु। इनका पालन पोषण इनकी मासी महाप्रजापति गौतम ने किया। इनके पिता इनको एक महान राजा बनाना चाहते थे, इसलिए बचपन से ही धार्मिक ज्ञान से इनको दूर रखा, लेकिन ये बचपन से ही बहुत दयालु थे, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। और दोस्तों, इनके चचेरे भाई देवदत्त ने जब एक हंस को अपने बाण से घायल किया था तो उसकी रक्षा सिद्धार्थ ने ही किया था। ये कहानी तो आप लोगों में से ज़्यादा लोगों ने ही सुनी होगी, अगर सुनी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के हुए तो इनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई। इसी समय से वह कई धार्मिक सवालों के जवाब खोजने लगे और अपने पिता के विरुद्ध जाकर एक रात राजमहल छोड़ने का फैसला किया। बाहर आकर वह निश्चय किए कि वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। राजमहल से निकलकर सबसे पहले अनोमा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बाल काटे, राजवस्त्र का त्याग करके साधु के कपड़ों में आ गए और फिर राजा गांव पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। उस वक्त मगध के राजा बिंबसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया और राजा को जाके बताया। फिर बिंबसार सिद्धार्थ को मिलने आए, राज्य का कुछ हिस्सा देने लगे। उन्होंने बिंबसार की सहायता नहीं स्वीकार की। सिद्धार्थ ने बिंबसार को वचन दिया, अगर मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको मिलने आऊँगा। उसके बाद 2 गुरुओं से योग और ध्यान की शिक्षा प्राप्त किए। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद सही से ध्यान लगाना आरंभ कर दिया और बोध गया जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे 49 दिनों की कड़ी तपस्या के बाद उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस समय उनकी आयु लगभग 35 वर्ष थी। अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 80 वर्ष की उम्र तक संस्कृत के बजाय वहां की लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। इनके चाहने वाले दुनिया भर में फैल गए और आज भी कोरिया, चाइना, जापान, भारत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में इनकी पूजा की जाती है। लगभग 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनका महापरिनिर्वाण हो गया, अर्थात इनका देहांत हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिद्धार्थ की ये कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।